गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा थर्ड। इससे पहले वाली क्लास में त्वरण के बारे में पढ़ा गया था, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सम त्वरित गति। सम त्वरित गति, सम त्वरित गति, सम त्वरित गति। सम त्वरित का मतलब क्या है? जो एक समान त्वरण से क्या हो, चलता हो, उसको अपन क्या कहेंगे? सम त्वरित गति। तो इसमें लिखिए, एक नियत त्वरण से, एक नियत त्वरण से गतिशील, एक नियत त्वरण से गतिशील वस्तु की गति, वस्तु की गति सम त्वरित गति कहलाती है। सम त्वरित गति कहलाती है। जैसे जैसे ऊर्ध्वाधर, जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति, जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति। इसमें लिखेंगे वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, यानी कि वेग का समय के साथ क्या करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये जो लाइन है समय को शो कर रही है, और ये जो अक्ष है इसको शो कर रहा है वेग को, शो कर रहा है इसको, शो कर रहा है वेग। अब देखो इसी के अंदर वेग और समय जब एक समान समान समांतराल में समान दूरी तय करते हैं, उसके लिए कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला ग्राफ है। एक सीधी लाइन बनेगी और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। यदि मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लूँ, क्या लूँ? एक छोटा सा पार्ट, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है किसको शो करेगी? वेग को। यानी कि यहाँ मैं लिखूँ क्या हो जाएगा? डेल वी हो जाएगा, छोटा वेग डेल वी। और ये किसको शो करेगा? डेल वी को। ये क्या हो जाएगा? छोटा टाइप डेल वी। अब देखो यदि मैं इसकी ढाल निकालू, या ढाल का मतलब यहाँ टेन थीटा निकाले, क्या निकाले? टेन थीटा। थीटा के सामने लंब और ये क्या है? समय, या आधार अपन कह सकते हैं। यानी थीटा के सामने ये लंब होता है, ये आधार, ये क्या होता है? कर्ण। और टेन थीटा में क्या चाहिए? लाल बटे कक्का से बताओ, लंब बटे आधार हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल। और अभी अपन ने पढ़ा है वेग में जब समय का भाग देते हैं क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। यहां लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू a, या मैं कह सकता हूं वेग समय ग्राफ से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। वेग समय ग्राफ की ढाल से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था विस्थापन और समय का जो ढाल होता है उससे हमको क्या मिलता है? विस्थापन और समय के ढाल से, विस्थापन और समय के ग्राफ से क्या मिलेगा? वेग मिलता है। क्या मिलता है? वेग। वेग से और समय के ग्राफ से क्या मिलता है? हमको त्वरण मिलता है। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा
ग्राफीय विधि द्वारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफीय विधि द्वारा समतुलित गति में कण के गति के तीनों समीकरण क्या करने हैं स्थापित करने। समतुलित गति में ये जो मेरा अक्ष है वाई अक्ष और ये मेरा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष समय को शो कर रहा है और वाई अक्ष किसको शो करेगा, वेग को शो करेगा। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे अपना वेग स्टार्ट होगा तो कुछ समय बाद गाड़ी का वेग यू हो गया, उसके बाद एक समान त्वरित गति करेंगे तो ये वाली शो करेगी, यानी कि ओ से यहां तक या मैं कहूं ए से सी तक का जो वेग है वो वी हो गया और ओ से डी तक का जो वेग है वो यू रहेगा और यहां से लेकर यहां तक वी माइनस यू और ये जो लाइन होगी किसको शो करेगी, यू को शो करेगी। ओ से ए तक का जो टाइम लगा हुआ मैं मान लेता हूं टी, क्या मान लेते हैं उसको टी। तो लिखेंगे इसमें पहले गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण तो लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में यहां से देखिए ये आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लाल बटे कक्का से टेन थीटा हो जाएगा यहां पर बी सी बटे डी बी, बी सी का मान यहां पर बी माइनस यू बी माइनस यू और डी बी का मान यहां पर टी। देखो ये डी बी ये किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, ये टी को शो कर रहा है, ये किसको शो करेगा टी को, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फिर लिखेंगे परंतु वेग, परंतु वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण मिलता है, क्या मिलता है त्वरण मिलता है। इससे पहले अभी जो टॉपिक पढ़ाया टेन थीटा किसको शो करेगा, ए को शो करेगा क्योंकि वेग का और समय का ग्राफ है, यहां पर टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, तो हो जाएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या इधर से हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो गति का प्रथम समीकरण बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर ए, क्या डाल देंगे इसको समीकरण नंबर ए। गति का द्वितीय समीकरण निकालने के लिए वेग समय ग्राफ में जो भी आकृति बनती है उसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है दूरी मिलती है। तो लिखेंगे माना एस इक्वल टू चतुर्भुजीय आकृति, चतुर्भुजीय चतुर्भुजीय आकृति, चतुर्भुजीय आकृति कौन सी होगी ओ डी ओ डी सी बी ए का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुजीय आकृति कौन सी होगी ओ डी सी डी ए का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा एस इक्वल टू त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ डी बी ए का क्षेत्रफल, यानी कि यहां मैंने लिखा एस इक्वल टू त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ डी बी ए का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा एस इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई,
ये हो जाएगा एक बटे दो इंटू आधार टी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है देखो यहां पर v माइनस यू प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब देखो ये किसको शो कर रहा है यहां पर u को, ये किसको शो कर रहा है t को, ये हो जाएगा ut। अब देखो यहां पर अपन को समीकरण नंबर द्वितीय में क्या चाहिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इस पूरी समीकरण में क्या है, a नहीं है, फिर लिखेंगे समीकरण a से, समीकरण ये क्या थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये समीकरण ए थी अपनी, वहां पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ए टी लिख सकता हूं, यहां लिख देते एटी, हो जाएगा s इक्वल टू वन अपॉन टू टी इन टू ए टी प्लस यू टी, ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्वितीय समीकरण। गति का कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये द्वितीय समीकरण, बता लीजिए। तीसरा आएगा गति का तृतीय समीकरण, गति का कौन सा आएगा तृतीय समीकरण, लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी, लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी, क्या हो जाएगा टू यू ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या चाहिए उसमें टू ए एस चाहिए, बोलो क्या चाहिए टू ए एस। वर्ग करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे टू ए कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। फिर समीकरण b से, समीकरण b होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस वाली पूरी टर्म की जगह क्या लिखेंगे s लिखेंगे, तो s इसका मान हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये गति कौन सा समीकरण है तृतीय समीकरण है। अब पूछ ले कैसा समझ में आया, तो ये है वो नीचे आप ए टी स्क्वायर ये किस पर टू ए कॉमन निकाल रहे हैं, नहीं आ सकता अगर मेरा टू कॉमन है तो उसको कर दो,